ओ हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होगे। बहुत ही बढ़िया है भाई का वीडियो है, एक बिंदास लाइक कर देना। ओके तो चलिए हम वीडियो की इस तरफ आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल तीर्थ पे। और इस चैनल पे आपको मिलता है वीएफएक्स वीडियो एडिटिंग एंड फोटो एडिटिंग एंड नॉलेज एडिटिंग। मतलब यहाँ से आप कुछ कुछ सीख कर जाओगे, वैसे भी उम्मीद करता हूँ। ओके तो चलिए आज का टॉपिक मैं आपको बताऊं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम होगा वीएफएक्स वीडियो एडिटिंग। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस चैनल पे आपको इस तरह से मिलता है। ओके तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा वीएफएक्स वीडियो एडिटिंग लेके आया हूं कि जिसके बारे में यूट्यूब में आप कहां भी सर्च करोगे वहां भी कहीं भी नहीं होगा। 100% यकीन से कह रहा हूं कि कहां भी नहीं होगा। तो आज का टॉपिक होगा वीएफएक्स वीडियो एडिटिंग। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ, जिस वीडियो को आप बनाओगे तो ऐसा लगेगा कि भाई ने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है। तो मैं इतना सारा बोल लिया बट मैंने आपको वीडियो ही नहीं दिखाया, तो आप पहले मेरे वीडियो को देख लो। तो आप मेरे स्क्रीन पर मेरे वीडियो को देख रहे हो, उस तरह से मैं आज आपको बहुत ही अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें एक सॉन्ग भी है बट यहाँ से म्यूट है। ओके तो इस तरह से मैं आज आपको वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, डोंट स्किप दिस वीडियो। मतलब स्किप नहीं करना है इस वीडियो को, क्योंकि मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ओके तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको डायरेक्टली ओपन करना है जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर काइन मास्टर एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को ओपन कर। तो उस एप्लीकेशन में जाने से पहले बाय का नाम है सुनते जाओ। भाई का नाम है तीर्थ और आप देख रहे हैं टेक्निकल तीर्थ। नो फेक, नो हार्ड, ओनली सिंपल थ्री। ओके तो इसलिए आपको डायरेक्टली ओपन करना है जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर काइनमास्टर एप्लीकेशन है, उस ऐप को आपको ओपन करना है। तो मैं जाता हूँ डायरेक्टली एडिटिंग सॉफ्टवेयर काइनमास्टर। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हमारी एडिटिंग सॉफ्टवेयर काइनमास्टर एप्लीकेशन में। तो चलिए मैं आगे की प्रोसेस बताऊ, इसी तरह से आपको करना है। ओके तो पहले ऐसे आपको प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से हमारे पास 3 रेडियो आएंगे। मतलब हमको जो जिसमें भी रखना है उसमें रखना है, तो हमको यहाँ से 1x1 में रखना है। 1x1 में रखने के बाद यहाँ से आपको मीडिया में जाना है, बैकग्राउंड में जाना है और यहाँ से आपको ब्लैक कलर का बैकग्राउंड को चुन लेना है। बाद में बैकग्राउंड की लेंथ है वो 9 से 9 सेकंड तक करनी होगी। बाद में आगे आ जाना है। तो बाद में यहाँ से आपको जाना होगा लोअर में और यहाँ से हमको जो एलिफेंट मैंने आपको पहले वीडियो बताया है, उस एलिफेंट क्या है, उस एलिफेंट जो पेटिंग कर रहा है, मतलब जो ड्रो कर रहा है, जिस ड्रो ग्रीन कलर का है, उस वीडियो को यहाँ से आपको पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए यहाँ से लोअर में जाना है, मीडियम में जाना है और उस वीडियो को मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, क्या आपको भी यही ग्रीन स्क्रीन वीडियो चाहिए तो आप जल्दी से जाए हमारे डिस्क्रिप्शन में और वहां से जाके आपको मिल जाएगा एलिफेंट कैन ड्रो वीडियो ग्रीन स्क्रीन। तो जिसको आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपको भाई का आपको आगे का प्रोसेसर करना है। बाद में यहाँ से इस ऑप्शन दिख रहा है, इसमें क्लिक करना है और यहाँ से फुल स्क्रीन कर देना है। बाद में हमारा वीडियो जितना है उतना बैकग्राउंड रखना है, तो बैकग्राउंड पे क्लिक करके टाइम टू राइट ऑफ प्ले हिट कर देना है। तो इस तरह से हमारा वीडियो होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ग्रीन कलर है तो आप पूछोगे भाई ग्रीन कलर है तो यहाँ से हमारा फोटो लाना है तो कैसे लाएंगे हम। तो हमारा फोटो लाने के लिए यहाँ से आपको उस वीडियो पे क्लिक करना है और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ से आपको क्रोमा की दिख रहा है, उस क्रोमा की पे क्लिक करने के बाद इसको एनेबल कर देना है और यहाँ से आपको की कलर पे जाना है और यहाँ से देख रहे इस ऑप्शन पे आना है और सबको 0 कर देना है और ग्रीन कलर को फुल करना है। बाद में आपको जितना रखना है उतना आप रख सकते हो। तो मैं तो फ्रेंड्स मैंने इतना ही रखा है। ओके तो रखने के बाद जैसे हमारा फोटो लाना है तो इसलिए आपको लोअर में जाना है, फिर से मीडियम में और यहाँ से आपको जो भी फोटो लाना है उस फोटो को पेस्ट करना है। तो मैंने मेरे फोटो को पेस्ट कर दिया। बाद में वही प्रोसेस लेंथ आपको बढ़ा कर देनी है। ओके
बाद में ओके कर दे रहे हैं। तो बाद में हमारा फोटो को इस एरो पे क्लिक करके यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट करके रखना होगा, ओके करना है। और यहाँ से यह थ्री डॉट दिख रहे हैं, उस थ्री डॉट पे क्लिक करके सेंड टू बैक, देख सकते हो सेंड टू बैक कर देना है। बाद में ओके, बाद में आगे आना है और यहाँ से आपको जितना व्यू हमारा फोटो रखना है, जिस तरह से एडजस्ट करना है वो तरह का आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। बाद में मैं वीडियो इस तरह से प्ले होगा, तो इसमें मैंने कहा था कि इसमें एक सॉन्ग भी है, तो मैं आपको सॉन्ग सुना के दिखाता हूँ। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना। तो फ्रेंड्स यार या वो सॉन्ग था, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। तो वीडियो सेव करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा भाई का वीडियो है लाइक करना, लाइक करने के साथ हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस करना भूलना नहीं, क्योंकि भाई का वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपके पास आए। ओके तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल तीर्थ।